फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं जो दही बड़े बना रही हूँ वो इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएंगे। तो चलिए हम अपने दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही वड़े बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है एक कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल, जिसे मैंने 3-4 पानी अच्छे से धो करके 5-6 घंटे के लिए भिगा दिया था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं और ये अच्छे से फूल जानी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1/2 किलो दही, तलने के लिए तेल, सादा नमक, हल्दी पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने इमली की चटनी पहले से बना के रखी है। आपको इस चटनी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इसकी रेसिपी वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस उड़द की दाल को पीस लेंगे। इसे हमें बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और अगर ये हल्का दरदरा भी रहेगा तो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं। तो चलिए हम अपने उड़द की दाल को पीस लेते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है, थोड़ा पहले आप कम पानी डालिए, अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने उड़द की दाल यहाँ अच्छे से पीस ली है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, और इसे मैंने बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसा, ये हल्का सा दरदरा है। तो इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जब हम इसके बड़े बनाएं तो हमारे बड़े खूब फूले फूले से रहें और बहुत ही सॉफ्ट रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हाथ से नहीं फेंट सकते हैं तो आप इसमें 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसे डाल करके अच्छे से फेंट लीजिए 1 सेकंड के लिए, और उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करके इसके पकौड़े बना लीजिए। पर अब मैं इसे आपको हाथ से फेंट के दिखाऊंगी कि हाथ से फेंट करके आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो हमें बस ऐसे हाथ से उठा उठा करके इन्हें थोड़ा सा ऐसे पटकना रहता है, बहुत तेज़ी से नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा पटकिए और इसके अंदर अच्छे से एयर चली जाएगी और हमारा दही बड़ा अच्छे से फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फूला है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में आप थोड़ा पानी लीजिए और थोड़ा सा ये जो हमारा मिक्सचर है ये इसमें डालिए। अगर ये मिक्सचर डालने पे ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारे ये अच्छे से फूल गया है और हमारे इसके बड़े बहुत ही फूले फूले बनेंगे। पर अगर ये बॉटम में जाके बैठ जाता है तो इसका मतलब है हमें इसे थोड़ी देर और फेंटना है। तो मेरा ये यहाँ पर अच्छे से फूल गया है, तो अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दूंगी। फ्रेंड्स, हम नमक इसमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमें दही में भी डालना है इसकी, तो इसलिए मैं इसमें नमक ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी हल्दी, नमक या कोई भी मसाला आप इसमें तभी मिलाएं जब आपका ये पीठी अच्छे से फूल गया हो, क्योंकि अगर आप पहले से इसमें नमक और हल्दी मिला देंगे और तब इसे फेंट करके फुलाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो पहले मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, फूल गया ये, तब मैंने इसमें हल्दी और नमक मिलाया है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और हींग पाउडर भी मिला सकते हैं, पर मुझे वो टेस्ट में नहीं अच्छा लगता इसमें, इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पकौड़े का मिक्सचर यहाँ रेडी हो गया है, तो 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने देते हैं और तब तक हम इसकी दही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें 1/2 किलो दही ले लूँगी। 1 कप उड़द की दाल के दही बड़े बनाने के लिए 1/2 किलो दही बिल्कुल पर्याप्त होता है। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे जिससे इसमें लम्स ना रह जाएं। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, इसे मैंने तवे पे भून करके इसको पीस लिया है, और 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, हमारे यहाँ कोई लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खाता इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने सादा नमक डाला है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। तो फ्रेंड्स, ये दही बड़े की दही बन के हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया है,
और अब हम ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ऐसे लेकर के इसमें डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार हमें तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, फिर हमें इसे मीडियम फ्लेम पे करके पकौड़े तलने हैं। बहुत हाई फ्लेम पे करके अगर हम पकौड़े तलेंगे तो हमारे पकौड़े ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे और वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे मीडियम और लो फ्लेम पे करके पकौड़ों को तल लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो अब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे पलट देते हैं और हमारे पकौड़े अच्छे से इसमें फूलने लगे हैं। तो आप इसकी शेप की चिंता मत कीजिए कि ये एकदम से गोल क्यों नहीं बने हैं। जैसे जैसे ये फूलते हैं ये अपने आप थोड़े गोल हो जाते हैं। तो हम ऐसे चम्मच से धीरे धीरे से करके इन्हें पलट देंगे। बहुत तेज़ी से आप इन्हें नहीं पलटिए क्योंकि ये अभी गीले हैं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे करके गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये पकौड़े यहाँ पे रेडी हैं और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन पकौड़ों को मैं पानी से भरे हुए एक बाउल में निकाल लूँगी। पकौड़ों को पानी में निकालने से क्या होता है कि पकौड़े पानी अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पकौड़ों को हमें लगभग 5 से 10 मिनट के लिए पानी में रखना है। तब तक हम अपना दूसरा बैच बनाएंगे, तब तक हमारे ये पकौड़े अच्छे से फूल जाएंगे। तो चलिए हम अपना दूसरा बैच भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा बैच लगभग तैयार होने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन पकौड़ों को हल्का सा ऐसे स्क्वीज़ करूँगी जिससे इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर हम इन्हें दही में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें इन्हें बहुत तेज़ी से स्क्वीज़ नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े टूट जाएंगे। तो हमें इन्हें हल्का सा ऐसे दबाना है और फिर इन्हें तुरंत दही में डाल देना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के पकौड़ों के साथ भी हम सेम प्रोसेस ही दोहराएंगे, उन्हें भी पानी में भिगा कर और फिर दही में डालेंगे। तो हमारे दही बड़े यहाँ पे तैयार हो गए हैं। मैं इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ और कम से कम आधे से एक घंटे के लिए हमें इसे अच्छे से दही में भीगने देना है ताकि ये पकौड़े दही अंदर तक एब्जॉर्ब कर सकें। तो एक घंटा हो गया है और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी गार्निशिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये इमली की चटनी इस पर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को थोड़ा मीठा दही बड़ा खाना पसंद होता है, तो वो दही में चीनी भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे इमली की चटनी डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इस चटनी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ ही में मैं इस पर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा ऐसे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमारे दही बड़े बनके यहाँ रेडी हो गए हैं। ये देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना। इन्हें बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको इसे फेंटना अच्छे से है, जब तक ये अच्छे से फूलेगा नहीं तब तक इसके बड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस त्यौहार आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी फैमिली में ये सबको कैसे लगे। तो अगर आपको मेरे ये दही बड़े पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, तो आप ऐसे ही कुछ इजी और टेस्टी रेसिपीज वहाँ भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और कई और सारी नई रेसिपीज के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से अच्छी रेसिपीज चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक